हज यात्रा में जाने वाले जायरीनों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य हज बोर्ड द्वारा प्रदेश भर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर हाजियों को सारी जरूरी जानकारी ट्रेनिंग के माध्यम से दी जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य हज बोर्ड के द्वारा इस वर्ष भी हज में जाने वाले हाजियों को प्रदेश के अलग अलग संभागों में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर जरूरी जानकारियां दी जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग संभाग के कवर्धा, बेमेतरा, बालोद जिलों से जा रहे हाजियों को दुर्ग के मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में ट्रेनिंग दी गयी, जिसमे 108 दुर्ग से, बेमेतरा से 10, बालोद से 12 हाजी मिलाकर कुल 130 हाजियों ने इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। इसमें 76 मेल और 63 फीमेल शामिल है। इसी कड़ी में राज्य हज बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान ने बताया कि इस बार प्रदेश से 692 हाजियों ने अपना नाम दिया है, जिसमें लॉटरी के माध्यम से 649 हाजियों का नाम आया है, जिन्हें पूरे प्रदेश भर में अलग अलग तारीखों में ट्रेनिंग दी जा रही है। दुर्ग संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, केशकाल, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में 4 सेशन में हज बोर्ड के सदस्यों द्वारा हज में जा रहे हाजियों को जानकारियां दी गई। हाजियों को बताया गया कि दिल्ली में हुई सभी राज्य हज कमेटी की बैठक में माननीय केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री द्वारा हज 2023 की यात्रा को अधिक सुविधाजनक एवं किफायती बनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा समाचार पत्रों में हज यात्रा की रकम में 1 लाख रुपए तक की कमी होने का समाचार प्रकाशित हुआ था, लेकिन उसके ठीक विपरीत हज यात्रा की रकम में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिससे देश भर के हज यात्रियों में रोष व्याप्त है। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, पिछड़ा आयोग उपाध्यक्ष, मदरसा बोर्ड अध्यक्ष सहित अन्य लोग शामिल रहे और उन्होंने हज में जाने वाले हाजियों को दिल से मुबारकबाद दी। आप सब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है, सद्भावना की, भाईचारे की, एकता की और सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान हो, इस भावना को लेकर हमारे प्रदेश से राज्य शासन के सहयोग से लगभग 699 हज यात्री हज करने के लिए जा रहे हैं और वह हमारे प्रदेश की खुशहाली के लिए और देश की खुशहाली के लिए कामना करें, दुआ मांगेंगे और उसका फ़ायदा निश्चित रूप से सभी वर्गों को, सर्वहारा वर्ग को मिलेगा। आज यहाँ पर जो तकियापारा में जो आयोजन किया गया, जिसमें हमारे असलम भाई यहाँ पर आए हुए हैं, वो सबको जानकारी देंगे, कैसे जाना है, कैसे रहना है, क्या वहाँ पर व्यवस्थाएँ होंगी, ये सारी जानकारी आज वो देंगे। हमको भी आमंत्रित किया, हम भी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, हमने भी आशीर्वाद उनका लिया और हमने कहा कि भाई हमारे प्रदेश की खुशहाली की कामना करें, अभी सभी लोगों का विकास हो, सद्भावना हो, भाईचारा और एकता हम लोगों के बीच में हमेशा बनी रहे। इस्लाम के 5 फर्जों में एक फर्ज है हज अदा करना। आज हमारे बीच में, हमारे जिले के नसीब हज में जाने वाले लोग का प्रशिक्षण कैंप लगाया गया। छत्तीसगढ़ हज कमेटी के माध्यम से प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया गया और हर वर्ष किया जाता है, ताकि हाजियों को किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूज हो उसको दूर करें कि वहाँ के अरकान कैसे पूरे किए जाते हैं, तो कौन कौन अरकान होते हैं, कौन कौन से अरकान होते हैं जिसको हाजियों को उन अरकानों को पूरा करना, उसी के संदर्भ में यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि जब वो हज यात्रा के दरमियान वहाँ जाए तो उन लोगों को ये अरकान याद रहे कि उनको क्या क्या करना है। तो वही प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है और उसी प्रशिक्षण का यहाँ पे आयोजन किया गया, जिसमें हमारे समस्त कई लोग उपस्थित हुए, हमारे हजी हजार उपस्थित हुए, हमारे वो लोग भी आए जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं और वो लोग आए जो यहाँ के हमारे शहर के गणमान्य नागरिक हैं। और ये पवित्र यात्रा में जो लोग जा रहे हैं, हम उनको शुभकामनाएं भी देते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे हक में दुआ करें और तमाम शहर, मोहल्ला, देश उस हाल रहे, उसकी दुआओं के लिए हमने गुजारिश की है हाजियों से और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इनके अरकान पूरे। हर साल छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के द्वारा जो हमारे छत्तीसगढ़ के हाजी लोग जाते हैं हज करने के लिए, तो हर जिला वाइज उनको कार्यशाला लगाई जाती है, ताकि प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप हज में जा रहे हैं, हज क्या क्या अरकान है, वहाँ क्या करना है, ताकि असुविधा ना हो वहाँ जाने के बाद। तो इस तरीके से की व्यवस्था दी जाती है हज कमेटी के द्वारा, तो प्रशिक्षक लोग आते हैं, ट्रेनर लोग जो प्रशिक्षण देते हैं उनकी, ताकि उनको वहाँ पर सुविधा हो। और छत्तीसगढ़ की जब से कांग्रेस की सरकार बनी है,
से यहाँ पर हाजियों के लिए विशेष व्यवस्था कार्यशाला लगाई जाती है, उसमें सारी सुविधाएं रहती है कार्यशाला में भी, ताकि हाजियों को जाने वाले हज यात्रियों को परेशानी ना हो। और दूसरी तरफ हम देखेंगे केंद्र सरकार जो जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब हाजियों को सब्सिडी मिला करती थी, सुविधाएं मिला करती थी, आज उनको सुविधाओं में कटौती कर दी। ये बड़ा दुख का विषय है, ऐसा सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो चले आ रहा है संभाग के 3 जिलों के लोगों को हज की ट्रेनिंग का प्रोग्राम तकियापारा दुर्ग में रखा गया है। इस प्रोग्राम में आजमीन हज जो हज यात्रा में जाया करते हैं उन्हें उन अराकानों को समझाया जाता है कि वो छोटे से छोटे अराकान होते हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर में 4 सेशन होता है। पहले एक एडमिन होता है जो हज यात्रा के बारे में बताया करता है कि आपको इस हज यात्रा में जाना है तो आपको क्या लगेज ले जाना है, क्या लगेज नहीं ले जाना है, किन चीज़ों को आपको अपने साथ लेके जाना है, उन सब चीज़ों को ही जानकारी दी जाती है। जो हमारा सेकंड सेशन होता है उसमें अहराम किस तरीके से हमें पहना जाए, अहराम की क्या दुआ है, हमें किस जगह जाके हमें नियत बांधना है। और जो हमारा तीसरा सेशन होता है वो हरम शरीफ के अंदर हमें क्या दुआ मांगनी है, हमें वहाँ पे किस तरीके से रहना है, इस बारे में बताया जाता है। जो हमारा चौथा सेशन होता है उसमें मदीने मुनव्वरा जब हाजी हज करने के बाद जब मदीने शरीफ पहुँचता है तो उन्हें वहाँ पे क्या दुआ पढ़नी है, कितनी नमाज़ें अदा करनी है, उस बारे में बताया जाता है। मैं तमाम छत्तीसगढ़ के हाजी आजमीन हज जो इस साल हज में जा रहे हैं उन्हें मैं ज़रूर इस बात से मैं उन्हें कहूँगा जब भी दुआ के लिए वो हाथ उठाएं छत्तीसगढ़ में खुशहाली तरक्की अमन चैन के लिए वो ज़रूर दुआ करें। ग्रैनी सीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।